जिले में बिना निबंधन और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई रिक्शा चलाने वाले ई रिक्शा चालक सावधान हो जाए। अगर आपने परिवहन विभाग के नियमों का पालन नहीं किया है तो आपका जेब कभी भी ढीली पड़ सकती है और भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप जिला परिवहन विभाग के नियम कायदे नहीं जान रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है और इस खबर में हम आपको बताएंगे क्या कार्रवाई जिला परिवहन विभाग कर रही है और क्या नियम लागू किए गए हैं। दरअसल जिले में ई रिक्शा की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण शहर में लगातार जाम की समस्या बन रही है। अगर आप ई रिक्शा चला रहे हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप जल्द से जल्द बनवा लीजिए, नहीं तो सीधे 5,000 रुपए का चालान काट दिया जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। इसके अलावा आप अपना ई रिक्शा बिना निबंधन के चला रहे हैं तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। जानकारी देते हुए प्रभारी DTO अहमद अली अंसारी ने बताया है कि जिला पदाधिकारी के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी SHO यातायात प्रभारी की एक टीम बनाई गई है जिसमें जांच करने का आदेश दिया गया है कि किस क्षेत्र में कितनी की संख्या में ई रिक्शा संचालन हो रही है। हालांकि जिला परिवहन विभाग के द्वारा यह कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है और जाँच कर कार्रवाई की जा रही है। क्या नया आदेश आया है ई रिक्शा और क्या कार्रवाई की जाएगी और क्या आदेश जारी किया गया है? इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और SHO यातायात प्रभारी के टीम बनाई गई है जिसमें जाँच करने का आदेश दिया गया है कि किस क्षेत्र में कितने संख्या में ई रिक्शा का संचालन किया जाए ताकि शहर में ई रिक्शा की संख्या बढ़ने से काफ़ी भीड़ भाड़ बढ़ गई है और इसके साथ प्रायः देखा जा रहा है कि सभी जगहों पर ई रिक्शा बिना लाइसेंस के भी चला रहे हैं लोग, बिना ड्राइविंग लाइसेंस का और बिना ये निबंधन का भी चला रहे हैं। तो बिना निबंधन के चलाने पर भी जो है मोटर व्हीकल एक्ट का जो संबंधित धारा है सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी और जिनके पास DL भी नहीं होगा उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कितने का चालान सर तय किया गया है, ऐसी कार्रवाई कब से शुरू होगी ये कार्रवाई? इसकी कार्रवाई तुरंत ही शुरू हो जाएगी, एक कमेटी का रिपोर्ट आने वाला है उसमें। वैसे हम लोग अपना निर्देश जारी कर दिए हैं कि सभी ई रिक्शा के जो भी चालक हैं वो अपना लाइसेंस बनवा लें, अन्यथा जो है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो 5,000 रुपया लाइसेंस नहीं रहने के कारण उस पर फाइन भी की जाएगी। ई रिक्शा वाले का ये भी कहना है सर कि शोरूम से भी नंबर नहीं दिया जाता है, तो क्या ऐसे में क्या प्रावधान हो सकती है? इसमें हम लोग जो भी मोटर व्हीकल एक्ट का जो नियम है उसमें सभी पर एक ही लागू होता है, जैसे या बाइक लें या फिर आप 4-व्हीलर लें, बिना नंबर का गाड़ी रोड पर निकालना नहीं है आपको। जब तक गाड़ी का नंबर नहीं मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता, तब तक आप रोड पर ना निकालें। ये शोरूम की जिम्मेवारी होती है और जो लेने वाले हैं उनकी जिम्मेवारी होती है कि नंबर लेकर ही अपना गाड़ी रोड पे निकालें।